हेलो जी सलाम अलैकुम। जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपको खुश ठीक आमदीद कहता हूँ है जी, शुक्रिया और बहुत। हम इस वक्त लाइव हैं, इस वक्त मौजूद हैं लाइव। तो पहले मैं अपने व्यूवर्स से थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूँ आपके हवाले से, उसके बाद फिर आपसे सवाल जवाब का सिलसिला करते हैं। तो नाजरीन, मैं इकबाल साहबानी और आप देख रहे हैं होम टीवी लाइव, और आज मेरी मेहमान आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, लेकिन मैं एक अपॉर्चुनिटी लेना चाहता हूँ उनका तारुफ कराने के लिए कि पाकिस्तान में सॉफ्ट इमेज जिन फनून के जरिए जो है वो दुनिया में पाकिस्तान का जाता है, उनमें एक जो है वो परफॉर्मिंग आर्ट। वो परफॉर्मिंग आर्ट में जब हम कुछ लोगों का जिक्र करते हैं तो उनमें नाहिद सिद्दीकी का नाम जो है हमें सरे फहरिस्त नजर आता है। नाहिद साहिबा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी पाकिस्तान से हासिल कर चुकी हैं, लेकिन साथ साथ इंटरनेशनली इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स और बहुत पूरी दुनिया में जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, जिस तरह से क्लासिकल और फोक और लोक वर्षा का जो आर्ट है उसको जिस तरह से इन्होंने प्रमोट किया है, वो अपनी जगह उस अवार्ड से एक ज्यादा बड़ा काम और एक ज्यादा बड़ी खिदमत है।
तो नाहिद साहिबा को हम खुशामदीद कहते हैं। मैं ज्यादा बातें इनके बारे में इसलिए नहीं करना चाहता कि इनके मुंह से जब बातें अच्छी सुनेंगे तो हमें मजा आएगा। हमने चूंकि थोड़ा सा होमवर्क किया है तो हम उस हवाले से इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हमने क्या क्या इनसे पूछना है। वक्त बहुत कम होता है, लेकिन बहरहाल नाहिद साहब सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं, और उसके बाद ये कि हमने तो अंदाजा लगा लिया है, पढ़ लिया है कुछ ना कुछ आपके बारे में, लेकिन आपसे सुनना चाहेंगे कि रावलपिंडी से आप जब कराची शिफ्ट हुए तो वहां से सफर का आगाज कैसे होता है? जी, पहले तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फकीर साहब कि आपने मुझे दावत दी और आपने मतलब है कि लोगों से मुझे मिलाया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि हमारे व्यूअर जो हैं, हमारे जो ऑडियंस है, वो ही असल में हमें बढ़ावा देते हैं, और आप जैसे लोग हमें बढ़ावा देते हैं तो हम करते रहते हैं, अपने फन में चलते रहते हैं। तो इसलिए बहुत शुक्रिया सबका। और मैं एक मेरा ताल्लुक एक ऐसे फन से है जो कि इतना आम नहीं है पाकिस्तान में, और उसकी पजीराई भी इतनी नहीं हुई, उसके बारे में तालीम भी इतनी नहीं हुई, लेकिन वो हम बातें करेंगे बाद में ज़रूर। लेकिन रावलपिंडी में मेरी पैदाइश हुई, और उसके बाद मैं मेरे ख्याल में चार बरस की थी, और फिर हम कराची शिफ्ट हो गए बिकॉज मेरी वालदा जो हैं वो तलत सिद्दीकी माशाल्लाह, वो बहुत अपने काम में, आर्ट में, एक्टिंग में नामवर शख्सियत हैं। तो वो उनका काम वहाँ पे था कराची में, ज़्यादा फिल्म स्टूडियोज़ वहाँ शिफ्ट हो गए थे लाहौर से, तो फिर कराची ही हम सीधे चले गए। मेरे वालिद जो थे वो टेली कम्युनिकेशन में थे, और वो भी उनकी भी तब्दीली हुई, फिर हम कराची रहने लग गए, और मैं हैप्पी होम स्कूल में गई जो कि बहुत एक अच्छा स्कूल था, वहाँ से पढ़ाई का आगाज हुआ। जी आज भी इतनी अच्छी रेपुटेशन है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, वेरी गुड। उनकी जो प्रिंसिपल थी उनको, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया क्योंकि मैं बचपन से ही रक्स की बहुत शौकीन थी, तो मैं स्कूल में भी करती थी, और तो उन्होंने कभी भी इस तरह नहीं किया कि जैसे अब ज़रा हालात ऐसे हो गए कि इस फन को इतना ज़्यादा इनकरेज नहीं किया जाता, यानी लड़कियों को, बच्चों को, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत बढ़ावा दिया, घर से भी मुझे बहुत बैकअप मिला, बैकिंग मिली, तो बस फिर चल सो चल। जी अच्छा, चलिए आपने वालदा साहिबा का जिक्र कर दिया तो हमें मतलब बताने में आसानी है कि माशाल्लाह आप एक पूरी टैलेंटेड फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, और आपकी वालदा, फिर आपकी खाला, फिर आपकी छोटी बहन माशाल्लाह रेहाना सिद्दीकी साहिबा, और आरफा सिद्दीकी, और फिर आप नाहिद सिद्दीकी, तो बहुत पहले आप लीजेंड हो चुकी थी परफॉर्मिंग आर्ट के हवाले से। अब आपसे बात जो करनी है वो एक तो पाकिस्तान में जो आपने कहा कि इस फिल्म की इतनी पजीराई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप जैसे लोग हैं, शीमा किरमानी हैं, जरीन पन्ना साहिबा हैं, वो ये वो लोग हैं जो इस फन को लेके चल रहे हैं, और माशाल्लाह उन्होंने पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी अपनी एक जो है एप्रिशन भी बनाई है, और अपना एक नाम मकाम भी बनाया है। तो रुख थोड़ा सा चेंज हो गया, सवालात इतर बितर हो गए कि वो एक कोई वाकया हो गया था कि डिनर टेबल पर कोई रक्स के हवाले से, तो पहले उसी से हम आगाज कर लेते हैं कि रेपुटेशन जो है आर्टिस्ट अपने आप को मनवाता कैसे है, उसका जरा सा जिक्र हो जाए। जी देखिए, पाकिस्तान में मैं ये कहूँगी कि ये एक बहुत संजीदा सब्जेक्ट है, मैंने इसको एक सब्जेक्ट के तौर पे लिया है क्योंकि ये एकेडेमिया का हिस्सा है, लेकिन इसको एंटरटेनमेंट की हद तक लिया गया अभी तक जितने लोग कर रहे हैं, तो एंटरटेनमेंट इज वो बहुत एक इस तरह की चीज़ है जिससे बस थोड़ी देर के लिए लोग खुश हो जाएं,
लेकिन फन एक ऐसी चीज है, फन जैसे मेरे उस्ताद कहते थे कि फन बराए जिंदगी और फन बराए फन, इसमें दोनों में फर्क है। तो अगर जो प्रैक्टिशनर है वो उसकी जिम्मेदारी महसूस करे और ये महसूस करे कि हमें बिल्कुल संजीदगी से इस फन को आगे लेके जाना है, तो सबसे ज्यादा इसमें जो काउंट करती है चीज़ वो मेहनत है, बिल्कुल सिंसियरली मेहनत है, क्योंकि इसमें रियाजत बहुत है, तपस्या है, तो इसलिए इसमें लाइटली आप नहीं ले सकते इसको अगर आपने इसको संजीदगी से लेना है। तो क्योंकि वक्त को हमने मद्देनजर रखना है, तो कथक डांस से हम आगाज करते हैं और कथक को आपने डिफाइन करना है पहले, तो क्योंकि मैं अपने मुंह से बोलूंगा तो फिर बातें जरा आपके हिस्से की बातें ज्यादा अच्छी लगेंगी, तो कथक को जरा सा डिफाइन करते हैं और इसकी फिर जो है आगे हम चलेंगे कि आपने इसमें क्या क्या नए अपने अपने जो वो डाले हैं इनोवेशंस पोएट्री को जिस तरह से आपने परफॉर्म किया है, तो कथक का जरा सा बताइए ताकि हमारे नाज़रीन जान सके। जी, कथक लव्स कथक जो है वो कथा से है, ये बहुत एंशंट संस्कृत की जबान से लिया है, और कथक जो है वो कहानी बयान करने वाला, तो कथा कहने वाला, कथक कथा कहे सो कथक कहलाए, ये कहते भी हैं कथक के बारे में। तो ये पहले ये जो नट होते थे और कथक होते थे वो ड्रामा, गाना, डांस सारा कुछ, और वो हिस्ट्री की तारीख की कहानियां सुनाते थे रक्स के जरिए, और गाना भी उसमें शामिल होता था, एक्टिंग भी शामिल होती थी, और ज्यादातर मर्द करते थे। और ये बहुत एक नई चीज है कि कुछ अरसे से, कुछ सालों से इसमें औरतें आने शुरू हो गई, क्योंकि एक मर्दों को तो हर चीज अलाउड है, तो घरानेदार भी ज्यादा मर्द होते थे, उस्ताद भी हमारे सब मर्द थे, तो ज्यादा वो करते थे, और औरत भी बनना उनका, और दोनों किरदार करने, बल्कि कई किरदार करने। तो कथक एक ऐसा प्रकार होता है जो कि पेंटर होता है, जो रकास होता है, जो एक्टिंग करता है, जो डिजाइन से जिसका ताल्लुक होता है, जिसका जो गवैया भी होता है अंदर से, तो ये सारा कुछ जितने भी आर्ट हैं उसमें समोए हुए हैं कथक में। तो एक तो ये बात है, दूसरा ये कि अब कथक की शक्ल जाहिर है कि मुख्तलिफ लोग अपने तौर पे उसको लेते हैं। हिंदुस्तान में मसलन कथक जो है वो एक हिंदू तहजीब का हिस्सा है, एक इंडियन जो माइथोलॉजी है उसकी वो हिस्ट्री है, लेकिन मेरा जो कथक से ताल्लुक है वो सेंट्रल एशियन भी आ रहा है, क्योंकि ईरान, टर्की, जिस तरह के हमारे यहाँ हजरत अमीर खुसरो जो हैं वो वहाँ की चीज़ें लेके आए, उन्होंने चीज़ें बनाई, कॉम्पोजिशंस, उस पर मैंने फिर किया, क्योंकि मैं बड़ी नहीं हिंदुस्तान में, तो इसलिए मुझे यहाँ का सेंट्रल एशियन जो इन्फ्लुएंस था वो ज़्यादा मुझे मतलब है कि अपील किया, सूट किया। अच्छा, तो जी पहले तो आपकी गुफ्तगू में से मैं एक वन लाइन करना चाहूंगा उस सारे उसको, कि जो रामलीला है वो दैट वाज ए फॉर्म ऑफ दैट कथक। जी जी, जो रामलीला होती है जिसमें मर्द ही औरतों का कैरेक्टर भी करते हैं, और फिर बाद में हमारे यहाँ वो आई एक मंडली की शक्ल में आई। जी, और फिर उसके बाद आजकल उसकी जदीद फॉर्म जो है वो स्ट्रीट थिएटर है। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, देखिए जी, कथक जी इसमें चाहेंगे, आपने बहुत अच्छा एक इसको ट्रेंड दिया जो मेरे सवाल में शामिल था, सेंट्रल एशिया वाला, तो मुसलमानों का एक कंट्रीब्यूशन है, और मौलाना रूम और अमीर खुसरो वो इस हवाले से वो एक रिच हेरिटेज है, और आपने उसी को फॉलो किया और आपने सूफीज्म की तरफ जो है अपने फन को
डाइवर्ट किया और बुल्ले शाह को और अमीर खुसरो को आपने मैं कहूंगा कि डांस में पेंट किया है, आपने रक्स में आपने पेंटिंग किया है, उनको पेंट किया है, तो उस पर थोड़ी सी बात। देखें जब हम आगे चलना चाहते हैं तो पीछे भी देखना पड़ता है, अपने बुजुर्गों को देखना पड़ता है, अपने सूफियों को देखना पड़ता है, अपने उस्तादों को देखना पड़ता है, क्योंकि मैं हमेशा समझती हूँ कि दुनिया गोल है तो आगे जाना है तो पीछे भी देखना है, माजी भी उसका हिस्सा होता है। तो इसलिए जाहिर है कि इतना काम किया है मौलाना रूमी और हजरत अमीर खुसरो और बाबा बुल्ले शाह और बहुत से हमारे सेंट्स हुए जिन्होंने रक्स किया, क्योंकि रक्स में एक वालिहानापन जो है, एक खुदी और एक मस्ती और एक वो जो है वो अपने आप को खो देने वाली बात है। तो मुझे भी ऐसी रक्स से है, लाल शाहबाज कलंदर के हवाले से मेरा ताल्लुक है, तो वहां तो है ही ये रक्स के बगैर जो है वो विलायत ही नहीं मिलती है। जी बिल्कुल, और वाकई रूहानियत है ना, ये देखिए इनको आर्ट्स को ये क्लासिकल कथक को कहा गया है ना कि डिवाइन आर्ट, जिस तरह अगर संजीदगी से क्लासिकी म्यूजिक भी ली जाए तो डिवाइन है, यानी डिवाइन का मतलब खुदाई, रूहानी यानी जी रूहानी मतलब यानी कि वही रूहानियत जो है हमारे अंदर जो है वो उसका ताल्लुक इतना ज्यादा मजहब से नहीं है, रूहानियत और मजहब, मजहबी होना फर्क है जी, वो एक बहुत एक अपना पर्सनल मामला है, लेकिन रूहानियत तो किसी में भी हो सकती है। और हमारे जो जितने फनून हुए उनको सूफी कहलाएं लोग, क्योंकि वो ना किसी को तंग करते हैं, फनकार इंसान सूफी इंसान ना वो मस्त होता है, वो अपने आर्ट में मस्त होता है। मंसूर बिन हल्लाज की मिसाल दे सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब अब देखिए ना, अभी आपने लाल शहबाज कलंदर साहब की बात की, कितने बड़े बुजुर्ग हैं वो, वहां पे कितना हाल और कितनी मस्ती में लोग, उनको होश ही नहीं रहता कि वो कहाँ है। तो इसी तरह बिल्कुल मैं जब रक्स में होती हूँ तो मैं तो शायद किसी और दुनिया में होती हूँ, मैं तो यहाँ नहीं होती, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है। रूहानियत के जो मदारिस में ये चीज शामिल है कि जब आप किसी कैफ में घूमते हैं किसी उसमें, तो आप अपने वजूद से मावरा हो जाते हैं, आप अपने सोल में चले जाते हैं और बॉडी आपके साथ जो है वो सिर्फ एक मूवमेंट का काम कर रही होती है, लेकिन असल चीज है सोल है जो बॉडी को राउंड करती है। तो आपसे आपने बहुत ही मार्कतुल्लाह काम किए हैं, और ये आग पानी हवा और जमीन और इनको आपने किस तरह से जो है वो अपने फन के जरिए जो है डिफाइन करने की कोशिश की है, इस पर जरा सा बताइए ना। जी बात ये कि जिस तरह पानी शक्ल ले लेता है अपने सांचे की, हमें सांचा बनना होता है, हवा के लिए भी आग के लिए भी पानी के लिए भी दरख्त बनना होता है, यानी इस आर्ट में मुझे जो तजुर्बा हुआ है वो ये है कि जिस्म जो है वो महसूस ही नहीं हो, जिस्म बिल्कुल खारिज हो जाता है। एक रियाजत में एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें कि आप जब हाथ उठाते हैं, आप जब अपने बाजू उठाते हैं तो आप बाजू नहीं उठा रहे, आप एक उमंग उठा रहे हैं, आप एक अंदर से एक बलबला एक जोश एक वो जो है वो ज्यादा नुमाया होता है rather than body। जी 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 सॉरी, तो बॉडी जो है, अब हम कहने को तो ये कह देते हैं कि जी हाथ हिलाया या हाथ उठाया या आम उठाई या ये किया, अब ये मगर ये नहीं मालूम कि वो कहाँ से उठ रही है चीज, वो दिल के अंदर कोई जगह है जहां पे रूह रहती है,
हमारे सेंटर में से उठ रही है, और वो लाइंस या अब कहने को वो बाजू है, लेकिन वो बाजू नहीं है, वो हाथ नहीं है, वो तो आसमान को छू सकता है। तो इसलिए वो लाइंस यहाँ की दुनिया की चीजें नहीं है, ये अल्लाह की वो है कुदरत के इंसान के हाथ पांव या लिम्स सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं बने, बहुत कुछ वो कर सकता है, और अल्लाह की कुदरत ही नजर आती इन फुलून के जरिए। तो मैं तो यही कहूंगी कि एक अंदर से जो रूह जागती है इसमें, और बहुत जबरदस्त आपको मेडिटेशनल एक फीलिंग मिलती है, जिसमें कि आपको ध्यान ध्यान का जो एक नुक्ता है, जो कि एक बिल्कुल एक नुक्ता बन जाता है, और आप उसमें जाते जाते हैं और जाते जाते हैं और जाते जाते हैं, और आप खुद ध्यान बन जाते हैं। तो इस तरह की एक चीज है, उसमें मर्ज होना, बिल्कुल उसमें एक हो जाना। यानी कि मैं बहुत जरूरी समझती हूँ कि जितने भी फनकार हैं, अगर उनकी ईगो आड़े आएगी तो वो फन सामने नहीं आएगा। मतलब मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि नाहिद सिद्दीकी को लोग भूल जाएं और रक्स देखें, क्योंकि सारा चक्कर ही है कि सारा मामला ही है कि रक्स नजर आना चाहिए, क्योंकि शक्ल या ये चीजें तो उसी में समो जानी चाहिए ना, समा जानी चाहिए। तो ये है असल में खुद ही, यानी ये खुद ही जो जरूरी होती है वो रहे, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा है, जैसे बुल्ले शाह कहते हैं, माटी जिस माटी ते बहुती माटी तिस माटी हंकार, वो कहते हैं कि जिस पे ज्यादा माटी है वो हंकार है, वो ईगो है। इसलिए बिल्कुल इतनी माटी रखें आप जितनी आपको चाहिए, और आप इसमें ये बड़ी एक सेल्फ एनालिसिस की बात है। इन फनून में इंसान को असल में अपने आप को हर तरह से कायदे में लाना होता है, लय ताल सुर, और हम पेंट कर रहे होते हैं अपनी बॉडी से, अपने जिस्म से, और उसमें फिर रंग भरते हैं अपने इमोशन से, अपनी कहानियों से, ठीक है, जो भी हम पे गुजरा होता है। लेकिन ये कि इतना लाइट हो जाता है इंसान कि वो बिल्कुल एक फ्लाइट है, रक्स एक फ्लाइट है, जो पांव लग भी रहे होते हैं जमीन पे, लेकिन वो आप उठे होते हैं जमीन से, लेविटेट कर जाते हैं, आप महसूस नहीं होता है कि आप भी जमीन पर हैं। जी हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होता। अच्छा भाई साहब, बड़ा प्लांट सा इंटरव्यू मैंने करने की कोशिश की थी, लेकिन आपने तो किसी और उसने दुनिया में जो है आप खुद भी चली गई हैं और हमें भी ले गई हैं, तो वो प्लान्ड इंटरव्यू तो एक तरफ हो गया, सवाल जवाब जिस तरह से होने चाहिए थे, लेकिन ये जो रूहानियत का चैप्टर है, अच्छा मुझे यूं भी लगता है कि वो जो प्लान्ड इंटरव्यू होता है वो बहुत कन्वेंशनल सा और बड़ा रिवायती सा होता है, लेकिन ये जो गुफ्तगू हो रही है, ये जो माइथोलॉजी जो हो रही है बयान, इसका अपना एक लुत्फ है। और एक आर्टिस्ट जब अपने कई दिहाइयों का जब तजर्बा हासिल कर लेता है, तो उसके अंदर एक सूफी, एक फकीर, एक बहुत ही रूहानी किस्म का एक जो है ना उनसर उसमें से निकल आता है, उसकी मेटरलिस्टिक लाइफ में से एक स्पिरिचुअल लाइफ जो है आ जाती है। तो बहरहाल, लेकिन यह कि एक ट्रोमा से आपको गुजरना पड़ा, उस पर तो हम गुफ्तगू जरूर करेंगे, कि जब PIA आर्ट्स अकेडमी में आप थी और आप माशाल्लाह से बहुत पीक पर आपका नाम था, और उसके बाद फिर मुल्क में मार्शाला आया, और फिर जब मार्शाला आया तो सबसे पहले उसका जो शिकार जो है, या उसका जो कहना चाहिए कि उसकी जद में जो है सबसे पहले आप आई, आपका एक टेलीविजन का प्ले जो था पायल, वो 6 एपिसोड के बाद ऑफ एयर हुआ, फिर आप पर पाबंदी लगी, तो ये एक मेंटल ट्रॉमा था जिससे आपको गुजरना पड़ा, उस पर जरा सी रोशनी डालिए ताकि लोगों को पता चले कि आर्टिस्ट के साथ इस तरह के हालात होते हैं तो उसको किस अजियत से गुजरना पड़ता है। जी हाँ, बस वो असल में जो डार्क एज थी ना ज़ियाउल हक़ साहब की, उसे डार्क एज कहते हैं ना हम लोग सब,
लेकिन इस जद में जाहिर है कि अब भी रक्स है, उस एज में नहीं है, लेकिन ये है कि रक्स को, देखिए रक्स को अप्रिशिएट करने के लिए समझना भी जरूरी है। इसलिए कहते हैं जहां भी रक्स जो है वो देखे जाते हैं, समझे जाते हैं, वहां पे ऑडियंस सीखी भी होती है थोड़ा बहुत। हमारे यहाँ जब तक स्कूलों में नहीं होगा, सिखाया नहीं जाएगा, जब तक ऑडियंस को हम ट्रेन नहीं करेंगे कि भाई इसमें किस तरह देखना है, क्योंकि क्या देखना है, क्या ठीक होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, एक तालीम है, बहुत बड़ा इल्म है ये। तो इसलिए ये नहीं था शुरू से पाकिस्तान में, तो इसलिए जाहिर है सबसे ज्यादा पहले जद में मैं आई कि जनाब रक्स, यानी कि अब देखिए मुझे इन्होंने बैन किया तो उसके बदले में इनको स्टेज वाले जो खराब वाले रक्स हैं वो मिले। सॉरी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन यानी सही चीज को बैन कर दिया, और गलत चीजें आती हैं फिर जाहिर है जब आप सही चीजें बैन कर देते हैं। मुझ पे जो गुजरी वो तो गुजरी जाहिर है, क्योंकि मुझे मुल्क छोड़ना पड़ा और मुझे मुल्क छोड़ने की भी इजाजत नहीं थी। मुझसे तो एक कागज साइन कराया गया था कि यू विल नॉट डांस एनीवेयर इन द वर्ल्ड अनलेस द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वांट्स यू टू, और मैंने वो साइन किया, और फिर भी मुझे मतलब है कि बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि मैं अपना मुल्क कौन छोड़ना चाहता है। फनकार तो बहुत रूटेड होता है, फनकार तो जाना ही नहीं चाहता अपने मुल्क से, चाहे उसे लाख चीजें मिलें बाहर, क्योंकि वो तो उसकी तो मट्टी वहां से है ना, वो तो उसको खाद ही वहां से मिलती है, वो पौधों से उसको ऑक्सीजन मिलती है जहां वो पला बड़ा है। तो फनकार बहुत हसास होता है। लेकिन बस फिर जो मेरे मियाँ ज़िया मुहीउद्दीन साहब थे वो पहले जा चुके थे, क्योंकि भुट्टो साहब को जब जेल में भुट्टो साहब चले गए तो हालात बिगड़ने शुरू हो गए थे, एकेडमी भी बंद हो गई थी, पीआई आर्ट्स एकेडमी, तो वो पहले चले गए थे। लेकिन मैं पायल कर रही थी तो मैंने कहा कि बात, मैं तो शायद जाना ही ना चाहती, लेकिन ये है कि बस पायल बैन हो गया तो मुझे लगा कि मैं रियाज भी नहीं कर सकूंगी या कुछ भी नहीं कर सकूंगी, तो मैंने कहा कि जाती हूँ। फिर मुझे बड़ी मुश्किलात से उन्होंने जाने दिया और वो साइन कराया डॉक्यूमेंट और ये और वो, तो जो कि बड़ी एक हद तक है एक आर्टिस्ट की, और बहुत देर तक वो बैन रहा। लेकिन ज़ियाउल हक के ज़माने में भी मैं फिर आई और मैंने उनके ज़माने के दौरान भी यहाँ परफॉर्म किया, और मेरी एक दोस्त थी सफिया बेग कराची में, उन्होंने मुझे बहुत प्रमोट किया उस वक्त, और हम दोनों सोचते थे कि हमें शायद अरेस्ट कर लिया जाए, इस तरह के हालात थे, इंटरवल में या बाद में अरेस्ट शायद हम हो जाए, क्योंकि जब मुझे बैन किया था तो अखबारों में इन्होंने लिखा था मुख्तलिफ अखबारों में कि जी नाहिद सिद्दीकी कौम की बच्चियों का किरदार तबाह कर रही है, और फिर ये कि ये इस किस्म के बेहुदा प्रोग्राम खानदान में बैठ के देखे नहीं जा सकते, इस तरह की चीजें आई थी मेरे बारे में, और ये बहुत ही यानी कि ह्यूमिलिएशन से मैं गुजरी। लेकिन बस अल्लाह जब एक दरवाजा खोलता है तो कई खोल देता है, एक बंद करता है तो मुझे, मैं ये समझती हूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, क्योंकि मुझे बहुत मौका मिला कि मैं बाहर जाके और भी मैं सीखूं, क्योंकि यहाँ पे तो बड़ा एक लिमिटेड था ना हमारा, डांसर्स हैं ही नहीं, डांसर्स थे ही नहीं। अब वहाँ जाके जो एक आंखें खुली कि भाई हर तरह का डांस है और हर तरह का ट्रू प्रोफेशनलिज्म है, ये नहीं है, और क्वालिटी है, क्योंकि मैं हमेशा क्वालिटी के पीछे होती हूँ, मैं नहीं उस पर कॉम्प्रोमाइज करती। तो वो मुझे सीखने का मौका मिला, फिर उन्होंने मेरी बहुत पजीराई की, वहाँ का आर्ट्स काउंसिल ने मुझे बाकायदा ग्रांट्स दी, और मैंने अपने फन को जितना मैं बढ़ा सकती थी बढ़ाया, सिखाया और बहुत परफॉर्म किया वहाँ। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ब्रिटिश गवर्नमेंट की कि उन्होंने मुझे बढ़ावा दिया। अच्छा, वहाँ आपको फिर ब्रिटिश कल्चरल अवार्ड भी मिला और भी कई अवार्ड मिले तो, जी बहुत से अवार्ड जी, वो तो अपनी जगह पर एक बात थी। अब चूंकि हम बहुत आपके दिए हुए वक्त के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत सारी बातें करनी है, तो मैं दो अहम बातें कर लेता हूं कि अगर वक्त खत्म भी हो जाए तो हमें उसका मलाल ना रहे। एक तो ये कि जो आपने, आपका जो फन था उसको आपने कहीं प्रिजर्व करने की कोशिश की है,
किस तरह से, और साथ साथ जो है उसको ट्रांसफॉर्म करने की क्या आपने कोई कोशिश की है, कोई आपका प्लान है, कोई अभी ऑन गोइंग कोई चीजें, क्योंकि आजकल जो है ऑनलाइन का जमाना है तो हर चीज ऑनलाइन के जरिए जा रही है, तो आपने इस तरफ कुछ देखा कि आपकी जो चीजें हैं, जो आपकी परफॉर्मेंसेज हैं, वो किस तरह से एक तो सेव हो जाए चैनल वगैरह के हवाले से, दूसरे ये कि आप अपना फन जो है वो आगे ट्रांसफर किस तरह से कर रही हैं, उसका क्या कोई आपके पास है? जी मैं बल्कि ये चाहती हूँ कि आप ये मैं आपको एक नंबर भी दूंगी। मैंने चैनल अपना शुरू किया है क्योंकि और तो कोई हमें हेल्प नहीं कर रहा, कोई मदद नहीं कर रहा इसको प्रमोट करने के लिए, तो फिर मेरे पास जितना आर्काइव मटेरियल पड़ा है बहुत सा है, बहुत सा काम पड़ा है मेरा भी, मेरे शागिर्दों का भी, और तो वो हम डाल रहे हैं। अब मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है नाहिद सिद्दीकी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल, तो मैं तो सबसे बहुत दरख्वास्त करूंगी कि उसको सब्सक्राइब भी करें क्योंकि हम आपस में इसको बढ़ा सकते हैं। फिर ये कि ऑनलाइन का आपने पूछा, ऑनलाइन क्लासेस मैं कर रही हूँ ग्लोबली और मैं रोज बहुत मसरूफ, बल्कि पहले से बहुत ज्यादा मसरूफ हो गई हूँ क्योंकि ग्लोबली अब माशाल्लाह लोग ग्लोबली आ रहे हैं क्योंकि अब वो जगह की कैद नहीं रही ना, कि अब अमेरिका से आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं, कोरिया से आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं, तो मैं तो बहुत ही खुशी लोगों को हो रही है कि घर बैठे बैठे अपनी मतलब घर की सहूलत में वो ये फन सीख रहे हैं, तो वो हम अच्छा। बड़ी अच्छी तरह लोग जी सीख रहे हैं, और चैनल भी है मेरा, फेसबुक पेज भी है नाहिद सिद्दीकी फाउंडेशन के हवाले से, और एक हमारा सेंटर लाहौर गुलबर्ग में भी खुल रहा है, तो अब उसमें भी फिजिकल क्लासेस हम करेंगे और शागिर्द हैं सिखा रही हूँ, मेरे बहुत से शागिर्द स्कूलों में सिखा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में। जी जी मैं एक तो ये कि हाँ हम मैं अपने नाजरीन से ये दरख्वास्त करूंगा और जो बाद में इसे देख रहे हैं उनसे भी ये कहूंगा कि वो नाहिद सिद्दीकी साहिबा के यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और व्यूज दें, ताकि ये जो इनका काम है ये दुनिया भर में मजीद जो है आगे बढ़ा बढ़े और पहचाना जाए। और ये एक ऐसी लिविंग लीजेंड है जिन्होंने न सिर्फ ये कि खुद काम किया बल्कि अब इस काम को वो दूसरे लोगों में ट्रांसफर भी कर रही है, तो शी डिजर्व फॉर इट कि हमें इनके लिए जो है ये एक्नॉलेजमेंट देनी चाहिए। नाहिद साहब एक बात आपसे पूछनी थी कि ये जो रूह का जो ताल्लुक है, कहीं आपने कहा था कि रक्स जो है वो रूह का काम है, ये मटेरियलिस्टिक काम नहीं है, तो इसको थोड़ा सा बहुत मुख्तसर लफ्जों में डिफाइन करने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से इसको एक आम आदमी इसको किस तरह समझ सकता है। अच्छा, बात ये है कि देखिए जिस्म तो हमारा है ना, इसमें तो कुछ शक नहीं है कि हम एक जिस्म रखते हैं, अब उसको हमने पहले या लाइट करना होता है योगा के जरिए, और उसका जो एक एक जो बोझ है ना जिस्म का, मटेरियल का बोझ होता है, ठीक है, मटेरियल के बोझ को खत्म करना होता है रियाजत से, कि मैं हाथ उठाऊं तो वो लगे कि ये जिस्म नहीं उठा रहा, मैंने पहले भी कहा ये एक वलवला है, एक जोश है, एक रूहानियत है जो कि हार्ट सेंटर से निकलती है और वो आसमान तक जाती है, और फिर ये कि आपकी अगर आपकी फीलिंग ऐसी है कि आप उस क्रिएटर को उसकी खूबसूरती से पहचानते हैं, सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैं तो समझती हूँ कि ये जो हमारा क्रिएटर है, जो गॉड कह लें क्रिएटर है, वो जो आसमान पे हम रोज पेंटिंग्स देखते हैं, वो कौन इंसान है जो रोज इतनी सारी बना सके, रोज एक अलग पेंटिंग होती है, दरख्त जिस तरह घूम रहे होते हैं, जो आठ पौधों में फूलों में है वो कोई इंसान बना सकता है वो मटेरियल, तो रूहानियत ये है,
रूहानियत जो है वो ये है जो कि मटेरियल इंसान के समझने से आ रही हो, ठीक है। अगर हम सिर्फ ये समझेंगे कि हम सिर्फ हर चीज जो है वो सिर्फ मटेरियल है तो गलत होगा, क्योंकि रूहानियत जो है वो पहले रूह फूंकी जाती है बच्चे में, सबसे पहले रूह फूंकी जाती है, फिर वो मटेरियल उसके ऊपर उड़ाया जाता है जी। तो ये तो रूह होती है, पहले तो जिस्म होता ही नहीं। अच्छा, एक और बात आपसे पूछनी थी कि ये जो शायरी पर जो मतलब को जो विजुलाइज करने का जो अमल है, पोएट्री पर जो रक्स की फॉर्म क्रिएट की जाती है, तो इसको कैसे मतलब हमने देखा है कि बहुत सारे जो रकास बहुत अच्छी जो आर्टिस्ट हैं वो उन नज्मों को बिल्कुल उसी तरह से प्ले करती हैं कि ऐसा लग रहा होता है कि जो मिसरा अदा किया जा रहा है वही मिसरा जो है जिस्म के का जो हरकत है वो बता रही है कि ये, तो ये जो आर्ट है इसमें आपने बड़ा मलका हासिल किया है जी। फैज साहब ये मैंने बहुत किया है, आपने बड़ा बुल्ले शाह पर आपने बड़ा काम किया है और खुसरो पर आपने बड़ा काम किया है, तो इसको आपने ऑब्जर्व कैसे किया, इसको आपने अपने अंदर समोया कैसे? देखिए, हम लोग जो हैं कथक एक इतना कंप्लीट आर्ट फॉर्म है कि इसमें डिक्शन की क्लैरिटी सीखनी पड़ती है, लहजा, इसमें हर चीज, जैसे एक ड्रामा आर्टिस्ट है उसको थ्रो ऑफ वॉइस सीखनी पड़ती है, उसको डिक्शन की, लहजे की क्लैरिटी। और फिर जोश साहब ने इसको कहा है कि आजा की शायरी जी। तो अब जाहिर है कि लफ्जों की शायरी के साथ आजा की शायरी मिल जाती है, ठीक है, और एहसास की शायरी मिलती है, क्योंकि अगर आपकी थोड़ा बहुत उबूर होना चाहिए जबानों पे भी, जरा थोड़ा बहुत इतना होना चाहिए जो मुझे घर से मिला, और ये आप समझ सकें उसकी डेप्थ को, कि अगर फैज साहब कह रहे हैं कि शाम के पेचोखम सितारों से जीना जीना उतर रही है रात, यूं सबा पास से गुजरती है जैसे कह दी किसी ने प्यार की बात, अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर कैसे रात जीना जीना कैसे उतरेगी? ये तो तसव्वुर है ना फनकार का, कि रात जीना जीना कैसे, उसको कैसे दिखाना है। सबा पास से गुजरती है, इतनी नाजुक चीज है वो, कि वो उसको कैसे बताना है। तो ये तो महसूस करने की बात भी है, हर ये मुश्किल चीज है कि सारी पोइट्री को एक करना, क्योंकि कथक की जो पोइट्री अपनी भी है ना वो बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग है, हमारे बोल होते हैं, हमें उनको याद करना होता है, एक लहजा होता है, लय में सारा कुछ, वो हमें जैसे धा गिड़गता धिर धिर गिड़गता धिन्ना गिड़गता नगदे तिड़तन धिर धिर गिड़गता कत धा गिड़गता कथा गद्दी गिड़ नगता, अब ये बकायदा इसमें पंक्चुएशन है, ये पोइट्री है कथक, ये पोइट्री है बिल्कुल कथक। अच्छा, की तबली जी, तो इसको म्यूजिक की जबान में गत कहते हैं? नहीं, गत देखिए टर्मिनोलॉजीज पाकिस्तान में ना काफी मस्क शुदा हो चुकी हैं। मैं भरतनाट्यम नहीं करती, मैं कथक करती हूँ, क्योंकि ये ऐसी बात है कि जो आप ये कहें कि जी कितने सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर सकते हैं मुझे बताएं, ठीक है ना, आपको जब आप फाइनल उसमें जा रहे होते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट चुनना पड़ता है, ठीक है, माना कि बहुत से सब्जेक्ट होते हैं शुरू में, लेकिन एक स्पेशलाइज करने के लिए, इसी तरह भरतनाट्यम का ताल्लुक साउथ इंडिया से है। कथक जो है हमारी खुशकिस्मती कि सब कॉन्टिनेंट के, अगर ये एक्सक्यूज मी किसी वक्त ये ब्रॉडकास्ट खत्म हो जाएगी तो मैं दूसरी ब्रॉडकास्ट उसी वक्त आपसे लिंक भेज दूंगा आपको। ठीक, चलिए ठीक, ठीक है।
जी, तो यही मैं कह रही थी कि मुख्तलिफ क्लासिकी रक्स है, उड़ीसी उड़ीसा से है, भरतनाट्यम साउथ इंडिया से है, कथकली कथक बिल्कुल नहीं है। कथकली वो रक्स है जो कि मास्क पहन के, और वो देवी देवताओं का रक्स है और तरह का। और मणिपुरी मणिपुर का रक्स है, ठीक है, ठीक क्लासिकल। हमारे हिस्से में क्या आया है, पाकिस्तान के हिस्से में ज्यादा फोक और कथक। कथक भी मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी बहुत, अपने बड़ों की वजह से, उनकी दुआओं की वजह से, ये बहुत मैं खुशकिस्मती समझती हूँ कि देखिए, संजीदा प्रैक्टिशनर ही उसको मैप पे ला सकता है, एंटरटेनर नहीं ला सकता उस तरह। एंटरटेन करता है, ठीक है, लोग ताली ठीक बजाते हैं, लेकिन संजीदा आर्ट में और एंटरटेनमेंट में फर्क ये है कि आप शोर भी सुन रहे होते हैं, आप ताली भी बजा सकते हैं, ताली बजाते हैं, ठीक, लेकिन जो संजीदा रक्स है वो आपको अंदर दिल के उतरता है, और आपका जी अक्सर नहीं चाहता कि आप ताली भी बजाएं। आप उसके बाद शोर नहीं चाहते, आप सुकून बहुत चाहते हैं, बिल्कुल साइलेंस होता है जब ये इस तरह की कोई परफॉर्मेंस होती है, जी। तो बिल्कुल एकदम खामोशी ही होती है और सब का जो फोकस होता है वो स्टेज ही होता है। जब परफॉर्मेंस खत्म हाँ होती है उसके बाद लोग तालियां बजाते हैं। जी, मैं तो ये समझती हूँ अंदर और बाहर, हसास लोगों के अंदर और बाहर दोनों जगह खामोशी पैदा हो जाती है। जब जी जी आप दिल को छूने वाली चीज, जिसमें मेहनत हुई हो और जिसमें एहसास हो, वो जब आप एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो बिल्कुल एंटरटेनर से अलग है, वो बिल्कुल। तो मैं ये बताना चाह रही थी क्योंकि यहाँ पे असल में यही, मैं यहाँ पे बच्चों को, अपनी यंग जनरेशन को ये बताना चाहती हूँ कि इसके बारे में उनको पता चले कि इसमें मैथ्स है, साइंस है, इसमें पेंटिंग है, इसमें डिजाइन है, इसमें टेक्सटाइल है, इसमें स्कल्पचर है, इसमें पॉटरी है, सारा कुछ कथक में समोया हुआ है, क्योंकि हम खुद एक पॉट बन जाते हैं, हम खुद हर चीज एक फूल बन जाता है रकास, ठीक है। तो ये सारा कुछ उसमें समोया हुआ है, बहुत जरूरी सब्जेक्ट है, जिसके बारे में मुझे बड़ी बहुत तश्वीश है कि एक बहुत ड्राई किस्म की स्कूलिंग और ड्राई किस्म की एजुकेशन बच्चों को मिल रही है, जो कि देखिए ना, आप या तो साज पकड़ा दें बच्चों के हाथ में, या बंदूकें पकड़ा दें, जाहिर है साज नहीं पकड़ाएंगे तो वो बंदूकें पकड़ेंगे, असलाह पकड़ेंगे, कभी हो नहीं सकता, क्योंकि एनर्जी इज नीड। हाउस और जी रबाब अव्वल शमशेर सना आखिर। जी और इसलिए कि जब तक आप उनकी एनर्जीज चैनलाइज नहीं करेंगे, उनका ध्यान ही नहीं बटेगा, वो तो ड्राई एजुकेशन में है, एब्सोल्युटली। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए अगर एक जुमला मैं इसमें ऐड करना चाहूं तो वो ये है कि जितने बड़े बड़े जंगजू सिपहसालार बहादुर बादशाह और जिन्होंने फतह की दुनिया में बड़ी बड़ी फतुहात की, लेकिन वो भी मौसीकी और रक्स और इन फनून लतीफा से अपने आप को नॉर्मल करके फिर अगली उसके लिए महाज आराई के लिए और अगले जो है मुहिम जुई के लिए तैयार होते थे। और आजकल हमारे यहाँ एक बहुत पाकिस्तान में अर्तुरल ड्रामा जो दिखाया जा रहा है, तो उसमें अर्तुरल जो है वो खुद भी इतनी जंगों के बावजूद जो है फिर वो अपने उस मौसिकार से जो है वो सुनता है। तो ये कि ये आपकी बात को ही आगे बढ़ा रहा हूं मैं कि अगर जी ये सब्जेक्ट जो है ये बिल्कुल निकाल दिया जाएगा जिंदगियों से, तो फिर आगे जाके हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा एनसीए में पढ़े। जी एनसीए भी असल में, मैं जिस तरह एनसीए को सोचती हूँ, एनसीए में मसलन है रक्स होना चाहिए, क्योंकि हर चीज है, लेकिन ये है कि बस खाइफ है कुछ, पता नहीं क्या चीज है मेरे। देखिए रक्स जो है ना, एक आजाद इंसान का काम है, आजाद ठीक है नेशन का काम है, ठीक है। जब हम कहते हैं ना कि एक नेशन का पॉस्चर होता है,
जी जी एक हर नेशन का एक पॉस्चर होता है, तो वो पॉस्चर हमसे छीन लिया गया है। हम तो कंधे झुका के चलने लग गए, हम में तो सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस है, बहुत बुरा कॉन्फिडेंस का क्राइसिस है हमारे बच्चों में, हम में, और बहुत ज्यादा ये मेंटली एबनॉर्मल बच्चे और जवान लोग बढ़ रहे हैं। क्योंकि मौसीकी जब तक नहीं होगी, और जब मैं मौसीकी कहती हूँ, संगीत कहती हूँ, तो उसमें रक्स बहुत जरूरी हिस्सा है उसका। क्योंकि मैंने देखें, हरकत पहले है, हरकत जब होती है तो दो एंटिटीज मिलती हैं आपस में, वो मौसीकी पैदा करती है, वो साउंड पैदा करती है। जब बच्चा पहले पैदा होता है तो सिर्फ हरकत होती है, वो जब तक रोता नहीं है इंसान कहता है कि हाँ हाँ आप जिंदा है। तो हरकत पहले है, रक्स पहले है, रक्स से जी फिर बाकी चीजें हैं। तो अगर इतनी जरूरी चीज हम, मेरी तो बहुत ख्वाहिश है कि यहाँ पे स्कूलों में बच्चों को असेंबली में मेडिटेशन कराई जाए, ताकि वो जो बाहर का शोर है और ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनको पता चले कि ध्यान लगाना होता क्या है, और फिर उनको अपने लिम्स के साथ, अपने हाथ पांव के साथ प्यार करना सिखाया जाए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करनी सिखाई जाए। मतलब है कि ये तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो वो अगर नहीं सिखाएंगे हम, और वो सिर्फ ये आंखें सिर्फ बाहर देखती रहती हैं, आपको पता है इंटरनल आंख जो होती है ना, अंदर की आंख, जब तक वो ना खुले आप बाहर ही देखते रहते हैं, अंदर तो झांकते ही, और कोई उस्ताद भी नहीं रह गए ना अब हमारे पास कि जो ये बताए कि भाई अंदर की आंख ना कितना जरूरी है। आपकी गुफ्तगू से एक दो बातें जहन में फौरी तौर पर आई, एक जो उस्ताद के हवाले से और दूसरे आपने जो इसके हवाले से बात की कि अब इसका जो, तो ये जो हमारे इदारे हैं PNCA जिसको हम कहते हैं, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट जी, इसका क्या मतलब है? इसका तो बजट तो बहुत बड़ा वसी बजट है, और इसकी डायरेक्टर जनरलशिप के लिए जो है बहुत सियासतें लड़ाई जाती हैं, और जो वजीर आजम के करीबी लोग होते हैं उनको ये सियासत से ये पोस्टें अता की जाती हैं, तो ये क्या रोल अदा कर रहे हैं फिर ये? जी मुझे कहा गया था अभी जब ये आई है नई डायरेक्टर फौजिया सईद साहिबा, इन्होंने मुझे कहा और भी एक नए लोग रखने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि आप आएं और PNCA के डांसर्स को सिखाएं। तो मैं इसी मकसद से, ये पिछले साल की बात है, तो इसी मकसद से मैं गई थी उसमें कि कोई डिफरेंस गवर्नमेंट की तरफ से और मेरा शामिल होना भी ज़रूरी है। तो लेकिन वो अभी एक साल भी नहीं हुआ था, उन्होंने मुझे फिल्मी गाने भेजने शुरू कर दिए, तो मुझे लगा कि भाई अरे आप एक्सपर्ट अगर एक अपनी फील्ड का बुला रहे हैं तो फिर आप उसको ये डिक्टेट नहीं करते कि आप ये फलां कराएं और ये कराएं। तो इसलिए ये बॉस कल्चर है, और बस फिर मुझे ज़रा थोड़ा सा उनको लगा मेरी तरफ से, मैंने कहा नहीं कि जी ये नहीं, ये सबॉर्डिनेट तरीके से काम नहीं कर सकते। इसलिए कि आप जब किसी फनकार को, जो कि एक PhD होता है, उसको आप जब रखते हैं तो आप उसको खुली छुट्टी देते हैं, ठीक है, कि भाई आप बाकी संवारे यहाँ की अपना एरिया, ठीक है, हमारा ये और एरिया है, बस वो बजट ही है और कुछ नहीं है, दिखावे के लिए चार लोक रक्स और ये कर लिया सारा, और कुछ नहीं है, बस आपने कह दी थी बात पहले, वो सब बजट है, बस कुछ नहीं। तो आपके ख्याल में किसी किसी दौर में ये इस इदारे ने कोई अच्छा परफॉर्मेंस या कोई अच्छी इसकी कोई कारकर्दगी रही है कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान में परफॉर्मिंग आर्ट जो है उसको प्रमोशन मिली हो? नहीं, PIA आर्ट्स एकेडमी असल में मैं कहूंगी बहुत ज्यादा बेहतर थी, और वो भी देखिए एक इंसान इदारा होता है, बिल्डिंग का नाम इदारा नहीं होता, ठीक है, वो इंसान होता है जो इदारा होता है। ज़िया मोहिउद्दीन साहब जो है बहुत मेहनती इंसान है, फैज साहब जब आर्ट काउंसिल के डायरेक्टर थे हालात ही और थे, क्योंकि वो सिंसियरली सर्विस कर रहे थे, ये सर्विस होती है,
अगर मैं भी, मुझे कोई कहेगा तो मैं सर्व करूंगी आर्ट को, मैं उसकी बॉस नहीं बन जाऊंगी। तो ये एक चीज जो है, कुछ नहीं, पीएनसीए ने बस बजट बजट रहे हैं बस, बहुत अच्छे। और अच्छा बस वो लोग सामने आए हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए। अब जिसको काम नहीं आता वो तो मिलाएगा, जिसको काम आता है वो तो नहीं मिलाएगा ना, वो तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। चलिए, इससे जुड़ता हुआ एक सवाल जो है वो फौरन जहन में आया, जिया साहब का जी आपने जिक्र भी किया और जिया साहब के साथ आपका एक साथ भी रहा है, और जो जी भी सरपंच सार्जेंट वो तो एक लाइफ का हिस्सा है, लेकिन जिया साहब माशाल्लाह से उन्होंने कराची में नापा को भी इतना ही वाइब्रेंट और इतना बड़ा इदारा बना दिया है कि नापा के बारे में कुछ आपने सुना या कभी यहाँ आने का इत्तेफाक हुआ तो यहाँ की कारकर्दगी आपको कैसी लगती है? जी नापा मैं आई हूँ, मुझे बुलाया था, 4-5 दफा मैंने परफॉर्म किया है, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। मौसीकी में भी नफीस साहब सिखा रहे हैं, अरशद महमूद साहब सिखा रहे हैं, जिया साहब खुद ड्रामा सिखाते हैं, बहुत अच्छा काम है। रक्स जैन है, ने यार जी साहब भी है, बेशुमार। जी जी हाँ, रक्स मुस्तकिल नहीं है, लेकिन फेस्टिवल्स जब हुए हैं तो उन्होंने मुझे दावत दी है और मैंने परफॉर्म भी किया है। और एक अच्छा, बड़ा बहुत जी रिसेंट पास्ट में कभी आपका आर्ट्स काउंसिल आना हुआ है कराची आर्ट्स काउंसिल परफॉर्म के लिए? रीसेंट पास में तो कोविड हो गया ना, तो इसलिए वो सारा सफर और हर चीज जो थी, अब मेरा ख्याल है कि शायद नॉर्मलाइज हो रहे हैं कुछ हालात, तो देखेंगे। लेकिन परफॉर्म किया है मैंने वहाँ आर्ट्स काउंसिल में भी, मेरा ख्याल है 2 साल पहले मैंने नापा में भी किया था और आर्ट्स काउंसिल में भी किया था जी। लेकिन उसके बाद फिर ये जो कोविड हो गया ना, तो फिर वो सारे जाहिर है कि बंद हो गए इदारे कुछ अरसे के लिए या जो भी है, तो फिर नहीं हो सका आपकी तवज्जो के लिए सिर्फ ये सवाल कर रहा हूं मैं, क्योंकि जी। आपने ओवरऑल व्यू दे दिया है, लेकिन फिर उसके बावजूद ये सवाल जो है आपकी तवज्जो दिलाने के लिए कर रहा हूं कि क्या परवेज मुशर्रफ का दौर इस लिहाज से कुछ बेहतर नहीं था कि उसमें आर्ट को और आर्टिस्ट को बड़ी पजीराई भी मिलती थी और प्रमोशन भी मिलती थी? मुझे तो नहीं मिली अच्छा, नहीं, देखिए बात लेकिन सुने, नापा गाने का नापा मुझे वाज द शौक ग्रेट चाइल्ड ऑफ परवेज मुशर्रफ। नहीं, वो तो जिया मोहिउद्दीन साहब की वजह से ना, क्योंकि जी उनकी स्टैंडिंग ही कैसी थी। और ये बड़ी अच्छी बात मुशर्रफ साहब ने की कि मल्टीनेशनल्स, जिया साहब ने कहा कि मुझे हुकूमत हुकूमत नहीं चलाएगी ये इदारा, क्योंकि उनको पता था कि हुकूमत के एक साइन कराना चेक कितनी मुसीबत होती है, आर्ट हाँ, तो को कितना सीता होता है ना जी, कागज। नौकरी है, बहुत नौकरी है। तो बस वो हर इंसान चपरासी है वहां, तो वो ये है कि देखें, खुद ही एक इंसान जो इज्जत देने वाला होता है ना, वो उसकी इज्जत होती है तो वो देता है, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे कुछ हो। मैंने अभी आपसे कहा ना कि एक इंसान इदारा होता है, इदारा जी इदारा मुझे मेरे उस्ताद ने मुझे कहा, मैंने कहा आप कहीं सिखाते नहीं किसी इदारे में, कहने लगे हम खुद इदारा है। तो ये मतलब नहीं होता कि वो कहाँ, अब ढूंढने वाले ढूंढ लेते हैं, बेचक। ढूंढने वाले ढूंढ लेते हैं। उस्ताद को ढूंढना जो है वो भी एक बहुत बड़े शागिर्द का काम है, क्योंकि मतलब वो भी बहुत जरूरी चीज है। अच्छा, चूंकि आपने अब बिल्कुल हम समअप की तरफ जा रहे हैं, तो जी बहुत मुख्तसर सी गुफ्तगू होगी, 4-5 मिनट की ज्यादा से ज्यादा। तो वो ये जी है कि आपने महाराज गुलाम हुसैन कथक से सीखा और जी आपने बिरजू महाराज से सीखा, तो उस जी जमाने में और भी बड़े उस्ताद थे, घनश्याम या शंभू महाराज या और जो कुछ नाम थे, तो उनको कुछ थोड़ा सा कोई उनके बारे में कुछ ट्रिब्यूट, उनको उनकी फन के बारे में कुछ गुफ्तगू 2-4 जुमलों की। असल में यहाँ पे नहीं थे शंभू महाराज जी, इंडिया में थे। घनश्याम अच्छा साहब कराची में थे, उनका फोक अंदाज था ज्यादा, और
ये जो मेरे उस्ताद हैं महाराज गुलाम हुसैन कदर, मुझे न्याजबंदी हासिल है। अच्छा ठीक है, वो कराची में पहले सिखाते थे, फिर लाहौर आ गए, तो फिर उनकी इजाजत से मैं गई हिंदुस्तान बिरजू महाराज जी के पास। तो क्योंकि एक सिलसिला होता है ये, और उस सिलसिले का अगर शागिर्द ना समझे तो वो फिर शागिर्द नहीं, कि किस तरह दिए से दिया जलता है। तो उस्ताद भी तो औलाद समझते थे शागिर्दों को। जी औलाद से भी बढ़ के, औलाद से भी बढ़ के, क्योंकि अब उस्ताद नहीं रहे। किसी ने मुझे पूछा था कि मैंने कहा भाई जहाँ उस्ताद तो वहां होता है जहाँ शागिर्द होते हैं, यहाँ शागिर्द है ही नहीं, सबको सब कुछ पता है, तो उस्ताद कहाँ से आ जाएंगे। तो ये है ना, ये हमारी धरती को इनाम मिला है। अब तो ये कहा जाता है कि भाई उनको हम फीस तो दे रहे हैं ना, अगर वो सिखा रहे हैं तो कौन सा इसमें वो एहसान कर रहे हैं। तो फिर काम भी ऐसे ही हो रहे। अच्छा काम भी ऐसे। जी बिल्कुल, आपसे बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, और अभी तक ऐसा नहीं लग रहा कि गुफ्तगू मुकम्मल हुई है, लेकिन अब हम चुके हैं तकरीबन एक घंटे के करीब पहुंच चुके हैं। तो चलते चलते कोई बहुत ही ऐसा मैसेज जो आपके, यानी आपकी तर्जुमानी भी करता हो, और अगर उसमें कोई लोगों के लिए भी कुछ ऐसा हो कि वो एक लीजेंड के मुंह से जो सुनना चाहते हैं वो सामने आए। मैं ये कहूंगी कि जितने भी फनकार लोग हैं उनके बारे में, उनको एक मैसेज मैं ये देना चाहती हूँ कि अपने काम के ऊपर काम करें, और सिर्फ ये इतना ये ना सोचें कि हमें सिर्फ परफॉर्म करना है, उसकी जल्दी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर मैं ये कहते हुए ये सोचूंगी कि उस्ताद का ये काम होता है कि शागिर्द को ये बताए कि कितना। तो फैज साहब की एक मैं चीज गुनगुना देती हूँ, वो मेरा पैगाम है। आइए हाथ उठाए हम भी, हम जिन्हे रस में दुआ याद नहीं, रस में दुआ ही भूल गए। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िम तलत नाहिद सिद्दीकी साहिबा, तलत सिद्दीकी वालदा, तो उनकी चश्मचराग नाहिद सिद्दीकी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और हमारे दरमियान मौजूद। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, रहेंगी, लेकिन इस वक्त जो है इंटरव्यू के हवाले से बात हो रही है। तो नाहिद साहिबा से हमारी गुफ्तगू आपने सुनी, मैं इतनी बड़ी आर्टिस्ट के बारे में क्या कहूँ, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि नाहिद सिद्दीकी या ज़िया नाहिद्दीन या तलत हुसैन और शीमा किरमानी, ज़रीन पन्ना उस्ताद, जो बड़े म्यूज़िक के बड़े उस्ताद हैं बहुत सारे, तो ये सब वो लोग हैं कि जिनके बारे में कुछ कहना जो है वो सूरज में चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। नाहिद सिद्दीकी साहिबा हमारे साथ जो गुफ्तगू उन्होंने की, ये एक बहुत ही आखिर जिंदगी में जब आदमी सब कुछ सीखने की तरफ डूब जाता है तो फिर वो मोती बनकर निकलता है, जो इस वक्त इनकी गुफ्तगू में थी। मैंने जो प्लान इंटरव्यू किया था वो सारा का सारा धरा का धरा रह गया, और रूहानियत से जब गुफ्तगू शुरू हो गई तो पता चला कि एक सच्चा आर्टिस्ट जो है, क्योंकि मेरा ये बड़ी हद तक इस बात पर जो है यकीन है कि जो प्योर आर्टिस्ट जो है वो बेसिकली एक प्योर सोल होता है, और जो प्योर सोल होती है उसी को हम रूहानी लोग कहते हैं, या रूहानियत उन्हीं में होती है। तो नाहिद साहिबा की गुफ्तगू आपने भी सुनी, और मुझे भी शर्फ हासिल हुआ कि आज इनसे इतनी लंबी मैंने गुफ्तगू की। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आइंदा फिर किसी अच्छे खूबसूरत और ऐसे ही मेहमान के साथ आपके साथ लाइव करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच भाई साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। आप सबको भी मैं ये कहूँगा कि नाई साहिबा का चैनल भी
सब्सक्राइब करें और इनकी दराजी उम्र के लिए दुआ भी करें। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, शुक्रिया जी, शुक्रिया बहुत।